वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी एक कट्ठा जमीन कितनी होती है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपने टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी एक बीघा जमीन में कितने वर्ग फुट होते हैं। तो देखिये एक बीघा जमीन में हमारे 27,225 वर्ग फुट होते हैं, मतलब 27,225 वर्ग फिट का हमारा एक बीघा बन जाता है, ठीक है। और एक बीघा जमीन में हमारे 20 कट्ठा होते हैं। कितने कट्ठा होते हैं? 20 कट्ठा। कहीं कहीं इसको काठा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काठा भी कहीं कहीं इसको पढ़ा जाता है या बोला जाता है, ठीक। अच्छा तो अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे एक कट्ठा या काठा जमीन में कितने वर्ग फिट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27,225 का भाग लगा देंगे किससे, 20 से। तो यहां पर हम भाग लगा देते हैं 27,225 में किसका, 20 का। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1,361.25, मतलब 1,361.25 वर्ग फुट। एक कट्ठा जमीन में हमारे कितने वर्ग फिट हो गए, 1,361.25, ठीक है। तो देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक क्वेरी है। उनका कहना है कि उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है, ऐसे एक आयताकार जमीन का उनके पास टुकड़ा है जो कि है 5 कट्ठा जमीन है। कितनी कट्ठा जमीन है? 5 कट्ठा ही जमीन है, पूरी जमीन 5 कट्ठा है। अच्छा एक तरफ से इसकी लंबाई है 150.4 फुट, ठीक, और दूसरे तरफ से इसकी लंबाई है 158.3 फुट। तो उनका ये कहना है कि सर इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है, आप बताइए इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी औसत लंबाई निकाल लेते हैं, इस प्लॉट की या इस जमीन की हम क्या करते हैं, औसत लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम औसत लंबाई निकालते हैं इस जमीन की, और औसत लंबाई बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे और भाग लगा देंगे 2 से, मतलब 150.4 प्लस 158.3, 158.3 का भाग लगा देंगे किससे, 2 से, जोड़ लेते हैं। तो यहां पर जब हम जोड़ते हैं तो देखिए 0.4 और 3 7 हो गया, 150 और 158, यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 308.7। डिवाइड करते हैं, भाग लगा देते हैं, मतलब 2 से, ठीक है। यहां पर हम 308.7 का भाग लगा देते हैं 2 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 154.35, 154.35 फुट आ गया। ये आ गई है हमारे जमीन की औसत लंबाई। अब हमें सबसे पहले इसकी औसत चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 5 कट्ठा, ठीक है। अच्छा एक कट्ठा बराबर अभी हमने कितनी जमीन निकाली थी, एक कट्ठा जमीन हमने निकाली थी 1,361.25 वर्ग फुट, ठीक। इसलिए 5 कट्ठा जमीन कितनी होगी, हम क्या करेंगे 1,361.25 का गुणा कर देंगे किससे, 5 से, ठीक। तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं 1,361.25 का किससे, 5 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 6,806.25 वर्ग फुट। इसका मतलब ये हुआ इस पूरी जमीन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6,806.25 वर्ग फुट। ये इस पूरी जमीन का क्षेत्रफल है, या तो हम इसको कट्ठा भी बोल सकते हैं और इसको 6,806.25 वर्ग फिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल रख लेते हैं,
6806.25, ठीक है। अच्छा, हमारे औसत लंबाई हमने निकाल ली थी, औसत लंबाई कितनी थी? 154.35, 154.35 चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखिए चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर इस जमीन की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 6806.25 में हम भाग लगा देंगे 154.35 से। 6806.25 में हम भाग लगा देंगे 154.35 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 44.096 फुट, या इसको या करके लिख लेंगे 44.0, दशमलव के बाद तीसरा अंक पांच या पांच से बड़ा होता है, तो दशमलव के बाद के दूसरे अंक में यानी कि नौ में हम एक जोड़ देंगे, दूसरे अंक में एक जोड़ देते हैं जब तीसरा अंक पांच या पांच से बड़ा होता है, ठीक है। तो जब हम इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या है, 09 है ना, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 44.10 ये हो जाएगा फुट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारी औसत चौड़ाई आ गई इस जमीन की, क्या आ गई है, औसत चौड़ाई 44.10, ठीक है, 44.10 आ गई औसत चौड़ाई। अब हम इसकी एक्चुअल मतलब कि देखिए इसमें ये वाली चौड़ाई भी शामिल है और ये वाली चौड़ाई भी शामिल है, और भाग लगा दिया हमने दो से। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी चौड़ाई दोनों की कंबाइंड चौड़ाई निकालने के लिए इसका दो से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो दोनों भुजाओं की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो जो चौड़ाई जो हम निकाल रहे हैं क्या करेंगे, औसत चौड़ाई में 44.10 में हम गुणा कर देंगे दो से, ठीक है, भाग लगाया होगा दो से तो हम गुणा कर देते हैं दो से। दो का जीरो से जीरो, दो एकम दो, जीरो दो चौक आठ, दो चौक आठ, ये आ गई हमारी इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की चौड़ाई, ये चौड़ाई आ गई प्लस करके जोड़कर आ गई। अगर मान लेते हैं अगर इस तरफ की चौड़ाई 44 फिट है, मान लेते हैं ये वाली चौड़ाई 44 फिट है, या 45, 44 नहीं, सपोज यहाँ पर 46 फिट है, हम इसको 46 मान लेते हैं, 44 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम 46 ले लेते हैं, सपोज ये 46 है, तो ये कितनी होगी, हम क्या करेंगे इसमें से 88.20 में से क्या घटा देंगे, 46 को घटा देंगे, तो यहां पर हमारा आ जाता है 8 में 6 गए 2, 8 में 4 गया 4, तो इधर की चौड़ाई आ जाएगी 42.20 फुट, ठीक है, इधर की चौड़ाई आ जाएगी 42.20। अगर यहां की 44 हुई तो क्या होगा भाई, यहां से 6 हटा देंगे, फिर आप 4 कर देंगे, 8 में से 4 गया 4, फिर यहां की आ जाएगी 44.20 फिट। अगर यहां पर 40 ही हो गया, सपोज यहां पर 40 हो गया, ठीक है, 40 है, 8 का 8 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 48.20। भाई जो हमारी औसत चौड़ाई आई है उसमें हमने भाग लगाया था दो का, फिर हम क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे दो से। अच्छा वो कौन सी चौड़ाई आएगी, ये वाली और ये वाली कंबाइन जोड़कर, और किसी एक चौड़ाई को नाप के घटा देंगे, दूसरी चौड़ाई ऑटोमेटिकली निकल आएगी, ठीक। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी एक कट्ठा जमीन कितनी होती है और एक कट्ठा जमीन की हम लंबाई या चौड़ाई कैसे निकालते हैं।